हेलो एंड वेलकम टू एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज। पेश है बॉलीवुड की ताजी सुर्खियां। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इस बात की जानकारी एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके कारण वो कौन फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। जोया अख्तर ने अपनी आगामी फिल्म द आर्चीज का फर्स्ट पोस्टर और टीजर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म से पॉपुलर स्टार किड्स सुहाना खान, खुशी कपूर और अगस्त आनंदा बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। ये फिल्म द आर्चीज कॉमिक का एडाप्शन है और इसका फर्स्ट लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है। सुपरस्टार यश स्टारर KGF 2 ने बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई कर सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसके साथ ही खबर ये भी आई है कि इस फिल्म के पार्ट 3 की शूटिंग जल्द शुरू होने जा रही है, जिसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं। लेकिन हाल ही में फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि इस फिल्म की शूटिंग फिलहाल शुरू नहीं होगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि जब शूट शुरू होगा वो अपने फैंस को जरूर बताएंगे। सिंगर नेहा कक्कड़ के पति रोहनप्रीत सिंह के साथ हिमाचल प्रदेश के मंडी में लूटपाट हुई। रोहनप्रीत मंडी के जिस होटल में रुके हुए थे वहां उनके साथ ये घटना हुई। लुटेरों ने कैश, आईफोन, स्मार्ट वॉच और हीरे की अंगूठी समेत कई चीजों पर हाथ साफ कर दिया। इस मामले का केस दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। इस साल सलमान खान की दो ब्लॉकबस्टर फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। सलमान खान ने अपनी अगली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग शुरू कर दी है। ये खबर शेयर कर सलमान ने अपना लुक भी रिवील किया है। डालिए नजर सलमान खान की इस पोस्ट पर। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी को एक महीना हो चुका है। शादी के बाद से कपल की अनसीन वेडिंग फोटोज लगातार सामने आ रही थी। इस बीच दोनों की एक वीडियो भी सुर्खियों में है। रणबीर आलिया जहां शादी के बाद अपने वर्क कमिटमेंट के चलते काफी बिजी रहे और एक दूसरे के बिना ही दिखाई दिए, ऐसे में शादी की वन मंथ एनिवर्सरी के मौके पर दोनों ने एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन किया और देर रात तक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। बता दें ये पहला मौका है जब शादी के बाद इस स्टार कपल को साथ में यूं खूबसूरत अंदाज में स्पॉट किया गया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो में से एक IIFA को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस साल IIFA यानी आईफा दुबई में होने वाला था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इस शो को पोस्टपोन कर दिया गया है। ये फैसला UAE के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के मृत्यु के चलते लिया गया है। आईफा जो पहले 18 से 22 मई तक अबू धाबी में होने वाला था, अब मिड जुलाई में होगा। खबरों के मुताबिक आईफा अब 14, 15 और 16 जुलाई को अबू धाबी में होगा। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.